Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, class 3. How are you? I hope you will be fine. I pray to Allah Ta'ala may protect us all. Today we'll do the working of science. Okay, class 3, now open your science book. Your new chapter is unit number 4, food and diet. Aapne page number 22, 23, 24 and 25 ki reading karni hai. Now, on page number 22, your first topic is 4.1. Why we need food? Khane ki zarurat hume kyun hoti hai? Iski do main reasons hai ke hume khane ki zarurat kyun hoti hai. The first one is food se hume energy milti hai and the second one is food hume sehatmand healthy rakhta hai. Jis tarah ek car ko chalne ke liye energy yani petrol ki zarurat hoti hai, isi tarah se khana bhi hamare liye petrol ki tarah hi hai. खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हम इजीली सारा दिन अपना काम करते हैं. ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज 4.2, कार्निवर्स, हर्बीवर्स एंड ओमनीवर्स. अगर हम एनिमल्स का खाना और खाने के तरीके देखें तो इन्हें तीन टाइप्स में एनिमल्स को डिवाइड किया गया है. योर फर्स्ट वन इज कार्निवर. कार्निवर का मीनिंग होता है गोश्तखोर जानवर. अब इस पे आपको बुक पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी राइट किए हुए हैं जो आपने पेंसिल से राइट करने हैं. यहाँ पर पेन से राइट हुए हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, आपने पेंसिल से राइट करने. कार्निवर्स का मीनिंग होता है गोश्तखोर जानवर, यानी ऐसे जानवर जो गोश्त खाते हैं, यानी दूसरे जानवरों का शिकार करके उन्हें मार के उनका गोश्त खाते हैं. जैसे कि नीचे पिक्चर में दिखाया गया ईगल, फिश को, छोटे परिंदों को और रींगने वाले जानवरों को खाता है. इसी तरह से लाइन जिराफ को, हिरन को, भैंस को, इनका शिकार करके इन्हें मार के इनका गोश्त जो है वो खाता है. नाउ टर्न योर पेज. योर सेकंड इज हर्बीवर्स. हर्बीवर्स का मीनिंग होता है पौधे खाने वाले, यानी ऐसे जानवर जो पौधे खाते हैं. जैसे कि नीचे पिक्चर में दिखाया गया है काओ ग्रास खाती है, घास खाती है, चारा खाती है. इसी तरह से जिराफ लीव्स खाता है दरख्तों के. ये हर्बीवर्स है. योर थर्ड वन इज ओमनीवर्स. ओमनीवर्स का मीनिंग है हर चीज़ खाने वाला, यानी ऐसे जानवर या ऐसी चीज़ें जो हर चीज़ खाते हैं, यानी प्लांट्स भी और गोश्त भी. जैसे कि नीचे हैन बनी हुई है, ये दाना भी खाती है जो कि आपके ग्रेन्स में आ जाता है, और रींगने वाले कीड़ों को खाती है ज़मीन से. इसी तरह से नेक्स्ट पेज पर है, यहाँ पे एक आपको पिक्चर बनी हुई है. और यहाँ पे क्या आप सोच सकते हैं क्या ह्यूमन इंसान जो है वो कार्निवर है, हर्बीवर है या ओमनीवर है? यस, ह्यूमंस आर ओमनीवर्स, क्योंकि इंसान जो है वो मीट भी खाता है, जैसे बीफ, मटन, फिश, चिकन, और प्लांट्स भी खाता है. ये जो आप ग्रीन सब्जियां खाते हैं, जैसे कि इनकी प्लेट में दिखाया गया है ग्रीन वेजिटेबल्स, ये प्लांट्स ही आपके होते हैं. यानी इंसान जो है वो ओमनीवर है, वो मीट भी खाता है और प्लांट्स भी खाता है. ओके, आपने रीडिंग करने के बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग अपनी बुक में पेंसिल से राइट करने हैं. कुछ वर्ड के मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ जो आपने रीडिंग करने के बाद राइट करने हैं. योर वर्ड्स आर रेगुलरली, हसबे मामूल, मील, गज़ा, हर्बीवर्स, पौधे खाने वाला, हॉक्स, बाज, शहीन, रेप्टाइल्स, रींगने वाला जानवर, ट्विक्स, डाली या फिर शाख, सेवरल, चंद या फिर कई, कार्निवर्स, गोश्तखोर जानवर, ओमनीवर्स, हर चीज़ खाने वाला, रोडेंट्स, खोदने वाला, कुतरने वाला, गैजल्स, गजाल या फिर हिरन, हाइबरनेट, सुस्त पड़ा रहना. आपने इन मीनिंग्स को अच्छी तरह से लर्न करना है और रीडिंग के बाद अपनी बुक में राइट करना है. अगर इसके अलावा भी आपको लगते हैं कि आपकी रीडिंग में डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ हुए हैं तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से या डिक्शनरी को कंसल्ट करके अपनी बुक में राइट कर सकते हैं. ओके, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, रुकना नहीं है. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.